तो टैली प्राइम के अंतर्गत आज का टॉपिक है हमारा एक्चुअल बिल एंड क्वांटिटीज। तो इसके लिए सबसे पहले जो टैली कॉन्फ़िगरेशन है उसमें आपको इनेबल करना होगा यूज सेपरेट एक्चुअल बिल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइस। तो इसमें कॉलम खड़े हो जाएंगे आपके इनवॉइस के समय, ठीक है। इस ऑप्शन को हम सबसे पहले यस करते हैं, देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते हैं। अब हम चाहें तो चूंकि हमारी नई कंपनी है तो हम अपने व्यापार में पैसा ले सकते हैं, यानी एक एंट्री सबसे पहले हम कैपिटल जिसका रिसिप्ट का एंट्री करेंगे और क्रेडिट करेंगे कैपिटल को। तो अल्ट सी से एक लेजर बना लेते हैं हम। कैपिटल अकाउंट अंडर ग्रुप कैपिटल में जाएगा और यहाँ पर हम अमाउंट डाल देते हैं 5 लाख रुपए और डेबिट कर देते हैं हम कैश अकाउंट को, देन एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम परचेस करते हैं और वाउचर में जाएंगे, परचेस में जाएंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पर क्वांटिटीज ऑप्शन आ गया है और क्वांटिटीज में एक्चुअल और बिल्ड दोनों ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं। यदि ये ऑप्शन ऑफ होगा तो ये ऑन नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। यदि ये नो है तो यहाँ पर कॉलम्स खड़े नहीं होंगे। तो इसके लिए हम प्रेस करेंगे F11, देन इस ऑप्शन को हम यस करेंगे, ठीक है, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने पार्टी ले लेते हैं हम इंटेल कॉर्पोरेशन या गायत्री कंप्यूटर में ले लेता हूँ। तो गायत्री कंप्यूटर से हमने माल खरीदा और जब माल खरीदने के लिए गए तो हमने कुछ पीस की डिमांड की, सिंडिकेटर हम खड़ा कर देते हैं और परचेस में आ जाएगा हमारा अल्ट सी से हम लेजर बना लेते हैं। परचेस अकाउंट का परचेस चला जाएगा परचेस में, ठीक है, कंट्रोल ऐसे इसको एक्सेप्ट करेंगे। टैक्सेबल है हमारा तो परचेस टैक्सेबल हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आइटम बना लेते हैं। क्या आइटम हमारे? मॉनिटर। मॉनिटर कंपनी डिक्लेयर है क्या? LG 15 इंच हम लगा देते हैं, ठीक है। तो मॉनिटर हम लेने गए, अंडर ग्रुप बना देंगे मॉनिटर, ठीक है, ये हमने बना लिया। यूनिट हम इसको मापेंगे नॉस में या पीस में, जैसा आप चाहें, ठीक है। और यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे हम नंबर्स, देन एक्सेप्ट करेंगे। इस पर टैक्स कितना है हमारा? यदि डिस्क्रिप्शन HSN कोड हम डाल देते हैं, कितना परसेंट टैक्स है? 12% हम टैक्स इसका डाल दिए, ठीक है। गुड्स है, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर जब हमने डिमांड की कि भाई हमें 5 मॉनिटर चाहिए, तो गायत्री कंप्यूटर ने क्या कहा कि एक काम करिए, अभी सस्ता है माल, आप 5 नहीं 10 ले जाइए। बोले नहीं यार, हमारे पास पैसा नहीं है। तो बोले यार एक काम करो, आप ले जाओ, जब बिक जाए तब हमें पैसा दे देना। तो एक्चुअल में तो दिया उसने 10, लेकिन बिल्ड में कितना बनना है? 5। रेट क्या है? नहीं, एक एक एलईडी का हम लेकर के चलते, माना कि 5,000 की वो एलईडी है, तो यहां पर 5 एलईडी का पेमेंट 25,000 बन गया, क्लियर है। जबकि एक्चुअल अमाउंट कितना है? 10 पीस हमें लिए हैं, ठीक है, थीके? तो ये हमने डाल दिया। इसी प्रकार माना कि कीबोर्ड हमने लिए अल्ट सी से, कीबोर्ड लॉजिटेक हम डाल देते हैं और अंडर ग्रुप चला जाएगा कीबोर्ड, ये हम डाल देंगे। इसको भी नॉस पे मापेंगे, इस पर टैक्स कैलकुलेशन हम कर देते हैं 12% ऑन वैल्यू टैक्सेबल, ठीक है। ओनली कीबोर्ड की बात करें तो माना कि हमने यहाँ पर हमें दिए गए 10, हमें लेना थे 5, और रेट हम डाल देते हैं यहाँ पर 500 रुपये, 550 लेके चल। तो ये हमने 2 आइटम यहाँ पर लिए, और आइटम तो नहीं लेना है, माउस। तो हम यहाँ पर माउस भी डाल देते हैं, माउस ये कौन सा है? लॉजिटेक का ही है, अंडर ग्रुप माउस चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यूनिट लेंगे नोस और इस पर हम जो भी इसका डिस्क्रिप्शन देना है वो आप दे देना, HSN कोड जो भी होगा वो दे देंगे। ऑन वैल्यू टैक्सेबल हम देंगे और इस पर भी 12% टैक्स कैलकुलेट करते हैं, एंटर करेंगे गुड्स। और इस वाले मामले में भी यही हुआ कि हमें चाहिए थे 5 और दे दिए गए 10, ठीक है।
रेट 250 रुपये, ये टोटल हमारा हो गया। अब इस पर हमें जीएसटी कैलकुलेट करना है। अल्ट सी से हम इनपुट जीएसटी, आप चाहे तो पहले क्लास भी बना सकते हो, इनपुट सी जी एस टी ड्यूटीज एंड टैक्स में चला जाएगा, और जीएसटी हम सिलेक्ट करेंगे, सेंट्रल टैक्स हम करेंगे और कंट्रोल एस एक्सेप्ट करेंगे, देन अल्ट सी से इनपुट एस जी एस टी ड्यूटीज एंड टैक्स, जीएसटी स्टेट टैक्स हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एस एक्सेप्ट करेंगे, ये टैक्स हमारा कैलकुलेट हो गया है ना। इस पर यदि डिस्काउंट वगैरह का कोई मामला हो तो वो भी आप लगा सकते हैं। इसी में यदि आप सेपरेट डिस्काउंट चाहते हैं, सेपरेट डिस्काउंट हमने पहले पढ़ लिया है उसे, यदि आप चाहते हैं तो आप F11 प्रेस करेंगे और यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस इसको यस कर देंगे, देन कंट्रोल एस एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपको मॉनिटर पर डिस्काउंट मिला है, कितना बोले 1% का डिस्काउंट है, तो माइनस हो जाएगा। लॉजिटेक कीबोर्ड माउस पर हमें 0.5 का डिस्काउंट मिला है, तो माइनस हो जाएगा। तो माउस के ऊपर हमें 1% का डिस्काउंट मिला है, तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, जो भी है सेपरेट डिस्काउंट है, और यदि आपको टोटल अमाउंट भी मिला है तो एक लेजर आप यहाँ पर बना लेंगे डिस्काउंट का। और अब यहाँ पर राउंड ऑफ करना होगा, तो अल्ट सी से हम राउंड ऑफ बना लेते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम डाल देंगे, कंट्रोल एस एक्सेप्ट करेंगे, और राउंड ऑफ कितना हो रहा है हमारा 0.61, सॉरी माइनस, हो गया बराबर। ठीक है, तो ये हमने इसमें राउंड ऑफ भी कर दिया। न्यू रेफरेंस में हम इसको लेंगे, एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। अब हमारे पास कोई कस्टमर आया और उसने बोला कि हमें 10 कीबोर्ड चाहिए भाई साहब, जबकि हमने पैसा कितने का दिया, 5 का, तो क्या हम ये कहेंगे नहीं साहब हमने सामने वाले को पैसा नहीं दिया, उसने दे तो दिया था। हम तो कहेंगे हाँ हाँ साहब है हमारे पास, तो हमने बिना पैसा लगाए ही पैसा कमा लिया। पैसा कमाने के बाद हम सामने वाली पार्टी को पैसा दे सकते हैं, क्योंकि उसने कहा भी था कि बिक जाए तो बेच देना, नहीं तो वापस दे देना। यदि वापस है तो परचेस रिटर्न कर देंगे हम, लेकिन यदि बिक गया तो हम उसको पैसा देना है। तो अब यदि हमारे पास कस्टमर आता है तो हम इसकी एंट्री करेंगे सेल्स में, पार्टी व्यक्ति भी ले सकते हैं, केस केस ले लें, केस हम सेल कर रहे हैं। अल्ट सी से लेजर बनाते हैं, सेल्स से चला जाएगा सेल्स अकाउंट के अंतर्गत, सेल्स के अंतर्गत सेल्स टैक्सेबल, यहां पर हमने सिलेक्ट किया कीबोर्ड, और हमारा जो इन्वेंट्री स्टॉक है वो भी 10 पीस बताएगा, जबकि पैसा कितने का दिया है, 5 का दिया है। तो हमने यहां पर कीबोर्ड सिलेक्ट किए, यहां पर यदि सामने बोलता है 10 दो तो हम एक्चुअल 10 दे देंगे, लेकिन यदि वो बोलता है कि नहीं साहब मैं तो मुझे तो 5 चाहिए, आपने भी खपाने का काम कर दिया सामने वाले को कि नहीं साहब 10 ले जाओ यार, बीके तो दे देना, नहीं तो बीचे तो बेच देना, नहीं तो वापिस दे देना। कस्टमर है जब तो लगा लेगा पूरा, लेकिन वो भी माना कि व्यापारी है, तो उसको भी हम ऐसा कर सकते हैं, बिल्ड में 5 और एक्चुअल में 10, क्लियर है। अभी हम क्या कर देते हैं, 10 के 10 भेज देते हैं। ठीक है, रेट कितने का कीबोर्ड खरीदा था हमने, एक बार आपको देना पड़ेगा, दोबारा जब आप किसी को बिल सेल यानी माल सेल करेंगे तो टेली ऑटोमेटिक जो है कि वही अमाउंट ले लेगा जो पिछला था, 550 का खरीदा था तो 650 में भेज दें, 100 रुपये का फायदा तो देना पड़ेगा। या फिर 550 में भेज सकते हो, जो 1% डिस्काउंट मिला वो भी आपका बेनिफिट हो सकता है, वो प्रॉफिट में जाएगा आपका। आपने डिस्काउंट ले लिया लेकिन कस्टमर को नहीं दिया तो वो भी प्रॉफिट, जैसे आपका जो पुस्तकों का होता है, कॉपी पेन का होता है, इसमें यही होता है, वो MRP पे चलता है, लेकिन क्या होता है कि जहां से बुकें परचेज की गई वहां पर उनको डिस्काउंट दिया गया, और उसमें माना कि उनको डिस्काउंट दिया गया 30%, जब हमने उस बुक को बेचा तो सामने वाले को डिस्काउंट दिया हमने 10%, तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, 20% का। तो उस मार्केट में यही होता, उसमें मूल्य पर इंक्रीमेंट नहीं होता है, हालांकि इसमें भी यही होता है, लेकिन इसमें डिस्काउंट के बेसिस पर कम
रेट के आधार पर ज्यादा चलता है। 100 रुपए की कोई वस्तु मिली, आपने उसको एमआरपी उस पर 150-200 लिखा है, 100 की वस्तु पे अधिकतर मैक्सिमम वो अमाउंट चढ़ा के रखते हैं, जबकि जो परचेज करता है होलसेलर प्राइस उनका कुछ और होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्काउंट देना है तो आपकी इच्छा दे देना, नहीं हो तो आगे बढ़ जाना। और इस पर टैक्स कैलकुलेशन करना है तो ऑल्ट सी से हम लेजर बना लेते हैं, आउटपुट जीएसटी सी जीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्स, जीएसटी कौन सा है सेंट्रल एक्सेप्ट करेंगे, ये निकल गया। अल्ट सी से आउटपुट इस जीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्स, जीएसटी स्टेट टैक्स एक्सेप्ट करेंगे, ये निकल गया। ठीक है, टोटल हो गया हमारा 7,280 रुपये का। अब हमारे पास हमें क्या करना है, हमें गायत्री कंप्यूटर का पैसा देना है। ठीक है, तो पैसा देना तो क्या बोले, वो जो बिल आपको दिया था उसी को आप अपडेट करें। तो हम क्या करते हैं, अब हम परचेस में उसको डाल देते हैं, तो हम वाउचर में जाएंगे, सॉरी बोले चले गए, डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट के अंतर्गत जाएंगे और यहाँ पे परचेस के रजिस्टर को ओपन करेंगे, और जो गायत्री कंप्यूटर से परचेस किया था उसमें हमारा अपडेशन होगा। जो कीबोर्ड थे, मॉनिटर तो वही रहने देते हैं, कीबोर्ड थे 5 को हम कर देंगे 10। और यदि चलो ठीक है, दो बार करके बता देता हूँ आपकी जो इच्छा है, यदि आपने ये पेमेंट दे दिया पहले ही, उसके बाद की बात आती है तो इसका पेमेंट हम पहले दे देते हैं। वाउचर में गए, पेमेंट की एंट्री हम करते हैं, यहाँ पर गायत्री कंप्यूटर सेलेक्ट करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस, और अगेंस्ट रेफरेंस पूरा अमाउंट हो जाएगा 32,170 रुपये। ठीक, और इसको हम क्लियर कर देते हैं। हमने कहा कि भाई साहब आपने बोला था अभी बिका नहीं है माल, बिक जाए इसके बाद भी कई मामले तो ऐसे होते हैं, 2-4 दिन तो वैसे बोलते हैं कि अभी बिका है ना, वैसे ऐसा होता नहीं बिजनेस में, सही बात पर ज़्यादा बिजनेस चलता है रियल स्थिति में। तो हम यहाँ पर डेबिट करेंगे गायत्री कंप्यूटर को और क्रेडिट कर देते हैं केस अकाउंट, केस ही खरीद देते हैं। ठीक, अब हमारा जो सेल हुआ है उसको अपडेट कर दें, तो वाउचर में जाएंगे, सेल्स में पहले परचेस सेल हो गया है, अब हम परचेस को अपडेट कर रहे हैं ताकि वो बाकी का पेमेंट है वो हम पे कर सकें। तो हम डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट के अंतर्गत जाएंगे और यहाँ पर परचेस रजिस्टर को ओपन करेंगे। इस परचेस रजिस्टर में हमारी जो पुरानी एंट्री है उसमें जाकर के जो 5 वाला मामला है इसको हम कितना कर देंगे 10, ये अपडेट हो गया, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक, एक्सेप्ट करने के बाद जब आप वाउचर में जाएंगे और पेमेंट में जाएंगे, तो यहाँ पर जब गायत्री कंप्यूटर सेलेक्ट करेंगे, पेमेंट दे दिया इसके बाद में भी, एंड ऑफ लिस्ट, एंट्री गलत होगी कहीं ना, वो कहीं एंट्री गलत हो रही होगी, वो अमाउंट को अमाउंट कहीं ना कहीं बराबर नहीं हो रहा होगा, जो आपका अमाउंट है वो बराबर नहीं होगा, इसलिए एंड ऑफ लिस्ट नहीं आ रही। जब कोई अमाउंट ऊपर नीचे होगा तो उसको एडजस्ट करेगा टेली, जैसे आपका अमाउंट है 3,100 रुपये, आपने 3,064 का अमाउंट एडजस्ट कर दिया, बाकी का नहीं किया, तो एडजस्ट कर देगा कि बोले इसको कहाँ डालू, इसको एडवांस में डाल दूँ क्या बचे हुए को, ताकि गायत्री कंप्यूटर से जब भी आप ले तो उसको बराबर कर दे। कई बार होता है ना साहब खुले नहीं, एक काम करना अगली उसमें डाल लेना, तो बोलते ठीक है, तो हम याददाश्त के लिए डाल देंगे 50 रुपये आपका ड्यू है, जब भी वो माल खरीदने आएगा तो 50 रुपये ऑटोमेटिक टेली कर देगा, व्यापारी नहीं करता ऐसा कि दे हाँ साहब था तो गले में जाने दो, पर टेली टेली तो मतलब वाह जी वाह मजा आ गया है ना, मौज कर दी जी मौज कर दी वाला है टेली है ना, ये सभी का लेके चलता है ना, मौज कर दी मतलब टेली की बात कर रहा हूँ, मुझे उस गाने के बोल नहीं मालूम और गाना गाता भी नहीं हूँ मैं तो। ठीक है, चलिए तो एक्सेप्ट कर लेंगे इसको है ना, चलिए ये हमारा हो गया। अब कोई डाउट इसमें, हाँ हाँ डे बुक में जा देखते हो ना, डेली का ट्रांजेक्शन दो चीज होती है, एक तो ओवरऑल और एक डे, हर दिन का क्या ट्रांजेक्शन होता है डे बुक है, तो इसमें जाकर के आप परचेस की एंट्री को ओपन करो। सर आप भी आपने बताया जो आपने एक्सपीरियंस वाला, अगर एडवांस में हम देते तो फिर होना चाहिए ना उसको, एडवांस में पैसा दिया कहाँ, अभी दे क्या एडवांस में, फिर मैंने जो किया था हाँ आप बता रहे थे कि मुझे छूट जाता है जो एडवांस में डाल, एडवांस में डालने के बाद लिस्ट तो ऐड हो जाना चाहिए, लेकिन वो एंट्री देखनी पड़ेगी ना आपके क्या कहाँ कुछ था, एडवांस से की एंट्री चाहे तो बता सकता हूँ मैं,
पर वो ज्यादा हो जाएगा, फिर जीरो वैल्यू की ट्रांजेक्शन देखना है आपको। जीरो वैल्यू की ट्रांजेक्शन समझना है क्या, एक बार कर लिया था सभी ने कि इसे एंटर बताओ। ये रिकॉर्डेड हो रहा है आपका यूट्यूब के लिए, यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप चाहें कभी तो बता दे ना, जो नहीं आए वो तो यही बोलेंगे चाहे थे। चलो फिर भी देख लेते हैं। जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को समझने के लिए एक वाउचर एंट्री हम करके देखते हैं। हम गए कंप्यूटर परचेस करने, तो हमें अपने सन्डे कैरेटर्स ने कहा कि भाई साहब कुछ सामान ले रहे हो तो हम आपको अभी ऑफर चल रहा है उसके अगेंस्ट में आपको, यानी एक लैपटॉप जब आप परचेस करोगे तो उसके अगेंस्ट में आपको एक कीबोर्ड माउस कॉम्बो फ्री दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लैपटॉप परचेस करने गए, यानी हमने लैपटॉप परचेस किया, अल्टर सी से लैपटॉप ले लेते हैं, माना कि हमने HP का i3 प्रोसेसर लैपटॉप लिया। ठीक है, इसका अंडरग्रुप हम बना देंगे लैपटॉप, ठीक है, यूनिट नॉस, और टैक्स कैलकुलेशन करेंगे हम इसके ऊपर, टैक्सेबल 18% एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इसमें एक्सेल वाला मामला और बिल वाला मामला दोनों एक ही है, महंगी चीज़ है वो नहीं देगा आपको, कोई व्यापारी ऐसा नहीं करता 10, हालांकि बड़े व्यापार में होता है सर, बोले एक ट्रैक्टर ले जा रहा है और एक में चार पाँच लोगों किसान आएंगे इस समय, हालांकि कम करता वो भी ट्रैक्टर का वाला वो मामला रहता है, तो कुछ मामलों में एडजस्ट कर लेता है बड़ी पार्टियों से। चलिए तो अभी हम एक लैपटॉप लेते हैं, रेट है हमारा माना कि 35,000 रुपये। ठीक है, अब इस बीच में उन्होंने बोला कि आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, कीबोर्ड। ठीक है, अब आपके पास कीबोर्ड नहीं है, जीरो कीबोर्ड आ रहा है, देखो हमने 10 के 10 भेज दिए थे, तो हमें कीबोर्ड दिया, कितना पीस दिया, एक। अब अमाउंट पैसे की बात हुई क्या, बोले नहीं पैसे तो होना ही नहीं है तो जीरो है। तो यदि आप इस एंट्री को इस प्रकार से डाल करके और इसको GST लगा लेते, हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया कि बोले इसके साथ फ्री मिल गया, तो ऐसा नहीं होगा। ये एंट्री तब के लिए है जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन जिसमें हमारा केस इफेक्ट नहीं होता है लेकिन हमारी इन्वेंट्री इफेक्ट होती है, यानी हमारे पास इन्वेंट्री में एक आइटम आ जाएगा लेकिन केस हमारा उस आइटम के अगेंस्ट में नहीं जाएगा। अभी जा तो रहा है, जरूरी नहीं है कि आप लैपटॉप ले तभी मिले, यदि कोई ऑफर में आपको डायरेक्ट भी देता है कि दो माल ऐसे ले जाओ आप, तो एक एंट्री आप ऐसा कर सकते हो अपने स्टॉक अपडेट करने के लिए, यानी जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी ट्रांजेक्शन करना है तब भी आप कर सकते हैं, नहीं तो ये आप मान के चलेंगे कि एक का पैसा डालना पड़ेगा तभी दूसरे का आएगा, ऐसा भी नहीं है। अभी फिलहाल हम लेकर के चलते हैं, अभी हमने एक्टिव नहीं किया उस ऑप्शन को, और यदि हम इस प्रकार एंट्री करेंगे तो हमारा जो इन्वेंट्री है डिस्प्ले के अंतर्गत, इन्वेंट्री में हम जाएंगे, स्टॉक आइटम में जाएंगे और कीबोर्ड को देखेंगे, तो यहाँ पर कीबोर्ड था, माउस था, ये परचेज किया था लेकिन आइटम सेल कितना किया था हमने, हाँ आउटवर्ड में हमारा 10 पीस दिखा रहा है, यानी क्लोजिंग देखो आप, क्लोजिंग में हमारे पास 0 पीस है, जबकि एक हमें गिफ्ट मिला, यानी एक आना था, तो ये डायरेक्ट एंट्री पास नहीं होगी। तो फिर ये पास कैसे होगी, तो इसके लिए आपको अल्टर में जाना है, वाउचर टाइप में जाना है, और यहाँ पर परचेस के वाउचर में जाना है। ठीक है, और परचेस में आपको ऑप्शन मिलेगा अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, इसको क्या करना है, यस देन एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद अब आप चाहे तो उसी एंट्री को संशोधित कर दें, डे बुक में भी जाके कर सकते हैं। ये आपकी परचेस की एंट्री थी, ये था लैपटॉप i3, तो अब आप यहां पर जाएंगे, देन आप कीबोर्ड लेंगे, ये कीबोर्ड, और एक पीस आपने लिया, बिल क्वांटिटी भी वही है, वैल्यू 0 हमने डाला, देन इसको एक्सेप्ट किया, वैल्यू नहीं है इसमें। ठीक है, और इसको हम अपडेट कर देते हैं, ये हमने अपडेट किया। इसके बाद यदि हम स्टॉक को देखेंगे, डिस्प्ले के अंतर्गत, इन्वेंट्री के अंतर्गत, स्टॉक आइटम में कीबोर्ड हम लेते हैं, तो यहाँ पर क्वांटिटी एक पीस हमें दिखा रहा है, ये क्लोजिंग में एंट्री, जबकि इसके पहले क्या आया था, 0 आया था। तो 0 वैल्यू ट्रांजेक्शन करने के लिए गेटवे ऑफ टेली पर, अल्टर के अंतर्गत, वाउचर टाइप के अंतर्गत, परचेस एंड सेल, यदि सेल में भी हम अपने क्लाइंट को ऑफर देते हैं तो हमें करना पड़ेगा, जिसमें पैसा नहीं आएगा आइटम चला जाएगा। यह है आपका जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। ठीक, बढ़े आगे।
और कुछ नया कर ले कि आज के लिए काफी है?